आपने आलू के चिप्स तो कई बार खाए होंगे, क्या आपने आलू के छिलके का चिप्स खाए हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू के छिलके का चिप्स बनाकर दिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत ही जल्दी और फटाफट से। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आलू के छिलके को आप फेंकना बंद कर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना हम शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ये आलू के छिलके का चिप्स बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू है तो आप एक आलू भी ले सकते हैं। तब इसके छिलके को हम उतार लेते हैं। तो यहाँ आलू का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आलू के छिलके का काम होगा। तो ये देखिए, मैंने चारों आलू के छिलके को देखे उतार लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जो छिलके हैं कितने सारे निकले हैं। तब इसके छिलके को हम क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे आलू के छिलके को एकदम बढ़िया से धो कर के ले लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा छिलके को देखिए इस तरह से उबाल लेते हैं। तो इसके छिलके को उबालने के लिए देखिए, मैंने पानी को पहले से उबाल लिया है। तब इसके अंदर सारे छिलके को देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं। तो इसके छिलके को अंदर डालकर हमें 50% के लगभग इसे उबालना है। इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, लगभग मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए उबालना है। तब यहाँ 5 से 6 मिनट बाद देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो छिलका है वो काफ़ी अच्छे से उबल गया है। तब इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं और यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, मैंने सारे छिलके को निकाल लिया है और ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तब चलिए इसे हम सूखने दे देते हैं। तब यहाँ देखिए, छत में मैंने एक इस तरह से प्लास्टिक लिए हैं। तो यहाँ प्लास्टिक के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम छिलके को फैलाते जाएंगे। अगर आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटा लग जाता है इसे सूखने में। लेकिन मैं इसे धूप में सुखा रही हूँ, केवल 10 से 15 मिनट में बहुत ईजिली सूख कर रेडी हो जाती है। तो इस वीडियो में कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, प्लास्टिक सीट पर मैंने सारे छिलके को ड्राई होने के लिए दे दिया है। तो लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे सुखाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ 15 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, सभी आलू के छिलके एकदम बढ़िया से सूख कर रेडी हो गया है। तो इसमें हम अभी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को देखिए, मैंने एकदम मीडियम गर्म कर लिए हैं। जब आप ऑयल मीडियम गरम हो जाए, तब ये सूखे हुए छिलके को देखिए ऑयल में हम डाल देंगे। तो यहाँ आपकी कढ़ाई में जितनी स्पेस हो उतनी डालकर इसे फ्राई करिएगा। तो इस छिलके को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इस चिप्स को फ्राई होने में। अगर आप इस रेसिपी को आज देख रहे हैं, तब से आलू के छिलके को फेंकना बंद कर देंगे। जो बचे हुए आलू के छिलके को आप चिप्स बनाकर भी इस तरह से खा सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे एकदम क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए, कितना बढ़िया और गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। तब इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचे हुए सेकंड वेज के भी इसी तरह से डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इतना कुरकुरी क्रिस्पी करारे आलू के छिलके का चिप्स बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ये चिप्स। तो आप इसे टमाटो सॉस या चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अब इसे आप इन छिलके को फेंकेंगे नहीं, बहुत ही क्रिस्पी करारे स्नैक्स को बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिली होगी। तो इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आलू के छिलके का चिप्स आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। ये रेसिपी अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।